सबा आशा छपरी ऊन। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की, स्वागत आपका हमारे पे आई शेफ लक्की पे। तो भाई आ चुका है मानसून, हो रही है बारिश, तो चलिए आइए बनाते हैं देहाती मटन करी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। सबसे पहले हमें बनाना है एक देहाती मसाला, उसके लिए हम लेते हैं कुछ लाल मिर्च खड़ी, फिर हम ले रहे हैं धनिया, जीरा, लौंग, कुछ हरी इलायची और काली मिर्च। इन सभी चीजों को हम एक साथ लेंगे और धीमी आंच पे से भूनेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। सिंपली इसको प्लेन हीट पे हमें गर्म करना है और जैसे ही धुआं आने लग जाएगा उसके थोड़ी देर बाद इसका मॉइस्चर पूरा ड्राई हो जाए, हमें इसको रोकना है और इसे खलबट्टे में कूट लेना है दरदरा। और ये हमने यहाँ पे ले लिया है मटन, थोड़ा चर्बीदार मटन लिया हमने। जब बात हो रही है देहात की, विलेज फूड की, तो सरसों का तेल ही है जो सबसे शानदार लगता है। और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इसका जो कलर है। इसमें डालते हैं प्याज, करेंगे ब्राउन और फिर आएंगे अगले स्टेप पे। तो भाई थोड़े देर के इंतजार के बाद ये हमारा प्याज जो कि ऑलमोस्ट ब्राउन होने वाला है, ऐसा बोल सकते हो भी चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कुछ दालचीनी और 2 से 3 पत्ते हम डालते हैं इसमें तेज पत्ता, इसे भी करते हैं मिक्स। और साथ ही साथ हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप चाहे तो जिंजर गार्लिक कूट के या किस के भी डाल सकते हैं, तो और ज्यादा जो फ्लेवर है निखर के आता है। ऐड करते हैं मटन, स्टेप बाई स्टेप हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे चलाते भी रहेंगे ताकि जो ऑयल है उसकी गर्माहट इकट्ठी ना अच्छे चली जाए, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड कर रहे हैं मटन। तो भाई लगभग 2 मिनट की मेहनत पर ये देखिए ये मटन भुन रहा है हमारा प्याज के साथ, बहुत ही जो खुशबू है बहुत ही शानदार आ रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट, नमक और अगेन इसे भी हम देते हैं कि स्टर बढ़िया सा। तो भाई ये मटन है ये हो रहा है, इसे अच्छे से भूनना है और जैसे ही ब्राउन हो जा रहा है हम इसमें ऐड करते हैं मसाले और साथ ही साथ थोड़ा सा टमाटर, आप टमाटर चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं प्याज की क्वांटिटी बढ़ा करके। और भाई जैसे ही ये मटन भूनते भूनते इस स्टेज पर आ गया है, हम इस पर डालते हैं वो देहाती मसाला जो हमने बनाया था पहले और अगेन इसे हम चलाएंगे बहुत बढ़िया से ताकि मसाले की जो खुशबू है वो बाहर आ जाए। तो भाई अब बारी आती है डालने की मसाले। मसाले डालने से पहले हम हल्का ऐड करते हैं पानी ताकि सीधे मसाले डालें तो वो जले नहीं। और अब बारी आती है डालने के मसाले, इसमें हम डालते हैं सबसे पहले धनिया पाउडर, इसमें डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको अच्छा लाल रंग चाहिए तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हम डालते हैं गरम मसाला और इन सभी मसालों को हम करते हैं मिक्स। अब जैसे ही मसाला पतीले में चिपकने लगा है बारी आती है अगले स्टेप की और अब हम इसमें डालते हैं चॉप टमाटर। अगेन मैंने आपको बताया था अगर आप चाहते हैं तो चॉप टमाटर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, प्याज की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, पर मुझे पर्सनली थोड़े से चॉप टमाटर अच्छे लगते हैं। तो भाई थोड़ी ही देर बाद पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, थोड़ा सा पानी भी आ गया है, तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की थी, ये देखिए खरोचने पे मसाला खुरचना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, या तो पानी ऐड करिए और स्लो फायर पे पकाइए, सिगड़ी पे पकाइए तो और मज़ा आए, और अगर आप मेरे जैसे आलसी हैं तो बस इसमें ऐड करिए पानी और इसका काम हो जाएगा, और इसमें लगाइए 2-3 सीटी और आपका मटन हो जाएगा तैयार खाने के लिए। हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, नाचो
तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरे सालसी हैं और मैं तो हूँ थोड़ा सा, तो बस ये जो मटन है शोरबे में इसको हम लेते हैं कुकर में। अब हम इसमें ऐड करते हैं धनिया, अभी देंगे हम मिक्स। तो भाई थोड़े जद्दोजहद के बाद हमारा मटन है तैयार। ये देख सकते हैं आप कैसा दिख रहा है। और जब हमने इसका ढक्कन हटा दिया है, अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे ओपन फ्लेम पे, ताकि ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए और खाने में मज़ा। और फिली करते हैं इसे सर्व। तो भाई आशा करता हूँ ये रेसिपी लगी होगी आपको अच्छी। आप भी बनाइए और बताइएगा कैसा बना आपके घर पे। मिलते हैं अगले वीक अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।